वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज महम के गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया और कहा कि ताला जब तक नहीं खुलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। छात्रों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई, वहीं सेशनल परीक्षा ऑनलाइन ली गई, जबकि अब मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जा रहा है, जो छात्रों के लिए हानिकारक है। वहीं पेपर में सवालों की संख्या कम कर अंक बढ़ा दिए गए। छात्रों का कहना है कि उन्हें तैयारी छोटे सवालों की करवाई गई है और ऑनलाइन करवाई गई परीक्षा की जगह अब ऑफलाइन परीक्षा करवाने की बात कही जा रही है। हमने पहले भी एप्लीकेशन दी थी अपने कॉलेज में कि हमारे पेपर ऑनलाइन होने चाहिए। दो बार एप्लीकेशन हमारे सीनियर्स भी दे चुके हैं, जो मतलब हमारे से ऊपर हैं वो भी दे चुके हैं, लेकिन उसका हमें कोई आउटपुट नहीं मिला है। तो दो बार हमने कॉलेज में पता करा, फिर भी हमें उसका कोई आउटपुट नहीं मिला, ना फिर HSBT ने हमें कोई उस चीज़ का एप्लीकेशन का आउटपुट दिया। तो आज हमें यहाँ आंदोलन करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, हमने सेशनल सारे ऑनलाइन दिए, हमने सारे पेपर ऑनलाइन दिए, तो हमारे जो फिफ्थ सेम के पेपर है वो ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं? उनको भी ऑनलाइन ही होने चाहिए, ऑफलाइन पेपर नहीं होने चाहिए हमारे। ऑफलाइन ऑनलाइन में ये फर्क है, जैसे हमने सेशनल दिए थे, हमें 6 महीने में 3 बार सेशनल देने होते हैं। जो हमने फर्स्ट सेशनल दिए थे वो एक एक नंबर के अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जो अब ऑफलाइन पेपर देने होंगे ना, वो हमें 15-15 नंबर के भी अटेम्प्ट करने होंगे। जिस बच्चे ने एक एक नंबर की तैयारी कर रखी है, ऑप्शनल तैयारी कर रखी हो, 15-15 10-10 नंबर के कहाँ से लिखेंगे सर? इसलिए हमने तो ऑनलाइन ऑफलाइन का ये मैटर उठा रखा है। हम देने को तो हम ऑफलाइन भी दे देंगे, लेकिन क्या फायदा जो कॉलेज का रिजल्ट खराब होगा।